पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत कराची किंग्स ने 196 रन का बड़ा हदफ 19 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 60 गेंदों पर 90 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि जो क्लार्क ने 26 गेंदों पर 54 और शर्जील खान ने 14 गेंदों पर 27 रन बनाए। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत कराची किंग्स ने 196 रन का बड़ा हदफ 19 ओवर में ही हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 60 गेंदों पर 90 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि जो क्लार्क ने 26 गेंदों पर 54 और शर्जील खान ने 14 गेंदों पर 27 रन बनाए। कबल अजीब कराची के कप्तान अमाद वसीम ने टॉस जीतकर मुल्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। मुल्तान की जानब से मोहम्मद रिजवान और क्रिस लेन ने इनिंग्स का आगाज जारहाना अंदाज में किया, लेकिन 5वें ओवर में क्रिस लेन 14 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 5 चौकों की मदद से 43 रन की इनिंग्स खेली, जबकि जेम्स वेंस ने 29 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए। सोहेब मकसूद 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि दूसरे एंड से विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा और मुल्तान की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाने में कामयाब रही।